हेलो एवरीवन, देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में होगा। इसमें मैं आपको टोटल 10 से 15 क्वेश्चन की सेट दूंगा, जिसमें एक सेट में आपका टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपने इस पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लिया अच्छे से, अगर आपने सारे क्वेश्चन को डीपली अगर एनालिसिस कर लिया, जो मैं आपको बताऊंगा उसका कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से देख लिया, तो आपके इससे ज्यादा आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। देखिए यहां पर जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1। इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन है और इसकी क्वालिटी मैं आपको बताता हूं। इसमें मैंने इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बुक के क्वेश्चन और कुछ जो कि एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर आपने उसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा, जब तक अगर आप कंसेप्ट नहीं अगर उसके जानते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में टच नहीं कर सकते हो। तो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है और हमारे सारे सेट में ये ऐसे ही क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट एरो हेड नोटेशन इन अ सिंगल स्ट्रोक लेटर। ध्यान से समझिए कि लेटर चैप्टर हम हाल ही में मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसकी टोटल वीडियो। देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर वैसा स्ट्रोक लेटर होता है, अगर हम जो भी पेंसिल से लिखते हैं, अगर एक बार हमने इस पेंसिल से कोई सा भी वर्ड ड्रॉ किए, तो ये होता है हमारा सिंगल स्ट्रोक लेटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि सिंगल स्ट्रोक लेटर लिखने के लिए हम कौन सा एरोहेड नोटेशन सही है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखते हो तो उसमें दिया है एम। एम लिखने के लिए हम कौन सा सिंगल जो हमारा स्ट्रोक लेटर वो कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए कि जो जब हम लेटर चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एम जो होता है, एम के जो एरो हेड वो सारा का सारा उसका एम से बाहर होता है। देखिए इसका जो एरो हेड होगा वो इसके एम के फेस से बाहर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी देख रहे हो उसमें सारा का सारा एरो हेड है वो सब बाहर है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर होंगे और उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको एरो हेड आसानी से पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख बोला जा रहा है द लीस्ट स्मॉलेस्ट एंगल ड्रोन बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। सबसे छोटा से छोटा हम प्रोटेक्टर चांद की मदद से कौन सा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया था कि 0.5 डिग्री हम सबसे स्मॉलेस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। 0.1 आपको नहीं लेना है, नहीं 0.2 लेना है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो हमारा होगा 0.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फिगर इज नॉट ड्रॉ बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। बोला जा रहा है कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की मदद से आप कौन सा इनमें से फिगर, ऑप्शन में देख लो, ये सब फिगर नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले समझिए कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक ऐसा, ठीक है, स्केल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि कंपास वगैरह से हम छोटे छोटे सर्कल नहीं बना सकते, इसलिए हम ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज करते हैं। एक और बात और ध्यान रखिए कि ये जो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट हो इसी को हम एक और भाषा में इसके अलग नाम से जानते हैं, इंजीनियर्स ध्यान समझिए इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स ट्रायंगल। तो ठीक है एग्जाम में बनता है क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को अदर और कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग टेम्पलेट। और बताना है इसमें कि कौन सा उस जो हमारा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में फिगर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख सकते हो, तो इसमें रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, हेक्सागोन होता है, लेकिन ट्रायंगल, ठीक है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द फिगर विच टाइप ऑफ डायमेंशन इज शोन। आप इस फिगर में देख सकते हो, बोला है कि जब इस फिगर का डायमेंशन जो किया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कौन सा टाइप का डायमेंशन है, सिंगल टाइप, प्रोग्रेसिव टाइप, पैरेलल टाइप या चेन टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर स्ट्रेट टाइप डायमेंशन लिखेगा तो आपको टिक नहीं लगाना। देखिए स्ट्रेट टाइप तो डायमेंशन है लेकिन बीच बीच में ये क्या है, चेन की तरह कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, चेन टाइप डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द पार्ट इज नॉट इन ए स्क्रू ड्राइवर। ये पेचकस में एक इनमें से कौन सा भाग मौजूद नहीं होता है। सबसे पहले एक फिगर देखिए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसुलेटेड जो इसका कवर है उसको हम बोलते हैं हैंडल, हैंडल का पोर्शन, बीच वाले जो पोर्शन को बोलते हैं सैंक, और जो सबसे टॉप में होता है उसको हम बोलते हैं बिट। तो यहाँ पर जो इस जो हमारा जो स्क्रू ड्राइवर में तीन ही पार्ट है, हैंडल, सैंक और बिट। अब हम ऑप्शन पर जाते हैं, वहाँ पर हमें देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ पर बिट है, सैंक है, हैंडल है, लेकिन टिप नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 जो कि स्क्रू ड्राइवर में मौजूद नहीं होता। तो ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट के भी क्वेश्चन इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड्स इन अ अनडेकेगन पॉलीगॉन। बोला जा रहा है कि अनडेकेगन पॉलीगॉन में आपकी कितनी साइड्स होती है, उसकी कितनी भुजा होती है। तो ये होता है टोटल 11। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोनिन में कितना होता है, डेकेन में कितना होता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुड। आपको बताना है कि लकड़ी का रूढ़िगत निरूपण कौन सा है, ठीक है, इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन लकड़ी का टुकड़ा कौन सा है, इसमें से अगर हम उसको काटते हैं तो कौन सा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। तो ये फिगर में तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो अगर देख सकते हैं लकड़ी की जगह हम काटते हैं तो उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कर्व लाइन्स होती है उस फिगर में।
तो देख सकते हो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड पेंसिल इज वेरी लाइट इन वेट। इसमें कह रहा है कि सबसे हल्की पेंसिल कौन सी है, अगर मैं उसके वजन के अनुसार बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा पेंसिल। तो जो हमारा एच ग्रेड का पेंसिल होता है वो सबसे ज़्यादा हल्का पेंसिल होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इन अ ड्राइंग सीट। बोला जा रहा है कि ड्राइंग सीट जो होता है उसका जो मेन उसका जो एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, तो उसका अनुपात कितना है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन 2:1:2। ध्यान से समझिएगा, ये होता है हमारा 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए, व्हाइल ऑब्जर्व इन प्रोजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रॉन्ग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज रॉन्ग। बोला जा रहा है कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट जो हमारा रॉन्ग है अगर हम प्रोजेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि एलिवेशन हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है। तो सबसे पहले देखिए, एलिवेशन को ही हम बोलते हैं टॉप, समझिएगा कि एलिवेशन को हम बोलते हैं टॉप, और यहाँ पे वीपी जो है वो है हमारा वर्टिकल प्लेन। तो सही बोल रहा है, ये ऑप्शन तो हमारा सही है कि जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है उसी पे हमारा एलिवेशन कोई भी फिगर सिचुएट होता है, और टॉप हमारा सबसे ऊपर में ही होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, एलिवेशन की लंबाई प्लेन की लंबाई के बराबर होती है। ये तो एकदम सही बोल रहा है कि कोई सा भी जो अगर हम फिगर हम बनाते हैं जब इसमें 3D में, तो उसका लेंथ ब्रेथ और जो 3D फिगर्स होता है उसका अगर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो सारा इसका साइड जो होता है उसको हम बराबर कर देते हैं, स्क्वायर के रूप में लेकर चलते हैं, और स्क्वायर का हर साइड बराबर होता है। यहाँ पर प्लेन को हम बोलते हैं साइड, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बोल रहा है कि एलिवेशन हॉरिजेंटल प्लेन पर भी बनता है, तो ऐसा नहीं होता है। और जो हमारा एलिवेशन है वो हमेशा हमारा वर्टिकल प्लेन पे ही बनता है। अब ध्यान से अगर आपने पिछले लेक्चर को पढ़ा होगा तो उसमें वर्टिकल प्लेन पे हमारा टॉप होता है, हॉरिजेंटल प्लेन पे हमारा टॉप नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 4, एलिवेशन की ऊंचाई साइड की ऊंचाई के समान होती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि इसकी साइड सारा जो उसका फिगर एक स्क्वायर की तरह होता है, और स्क्वायर में हमारा टॉप साइड और अगर फ्रंट की बात करते हो सारा का सारा बराबर होता है। ऑप्शन हमारा 3 सही, ठीक है, ये रॉन्ग है ऑप्शन। तो जो कि क्या है कि बोला जा रहा है कि एलिवेशन जो हमारा टॉप है वो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा तभी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A4 साइज ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट जो A4 साइज जो पेपर आता है उसका साइज कितना है, इसके ड्राइंग सीट कितना है, तो ये है हमारा 210×297। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कन्वर्ट पाउंड इंटू किलोग्राम बाई मल्टीप्लाइंग। बोल रहा है कि अगर आपको पाउंड से किलोग्राम, ठीक है, में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा इन सब में से। तो ध्यान रखिए कि जो हमारा केक होता है वो हमारा पाउंड में मिलता है, और जो केक अगर आप लोगे कोई भी सा भी केक, तो उसकी जो मैक्सिमम उसकी जो 1 पाउंड का अगर केक होता है तो उसकी जो वेट होती है वो तकरीबन 450 ग्राम का उसका वेट होता है। तो हमें क्या करना है, अगर पाउंड से हमको केजी में जाना होता है तो हम लगभग 450 ग्राम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, 0.45 से जो अप्रॉक्सीमेटली होगा वही आपको टिक लगाना है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा 0.459। तो ये अगर हमको पाउंड से किलोग्राम में जाना है तो हम इसे इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो ऑफ अ लेटर इन अ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कोई सा भी लेटर को अगर हमें लिखना है तो अपने मन से हम उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ हम कोई नहीं कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। सबका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको जो लेंथ जो भी लेटर आप लिखोगे उसकी हाइट कितना होगा, उसका ब्रेथ कितना, अपने मन से कोई सा भी लेटर का उसका हाइट नहीं बढ़ा देना, नहीं छोटा कर देना। तो इसका एग्जैक्ट उसका रेशियो होता है, तो वो जो रेशियो होता है वो होता है 7:4। इसका मतलब कि जो लेटर होगा वो 7 mm उसकी हाइट होगी, और उसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 4 mm की। तो देख सामान, और हमने पढ़ा है पहले ही कि जो भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बात करते हैं सारा का सारा मेजरमेंट हम mm में ही करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे तो 7 mm इसकी हाइट हो जाएगी। कोई सा अगर हम लेटर लिखते हैं या फिर नंबर ही लिखते हैं तो हम, ठीक है, तो उसे हम 7:4 में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया है और आपको जो एरो हेड के अनुसार इनमें से कौन सा इसका फेस है। तो अगर हम देखते हैं इस फिगर को, तो ये जो फिगर है हमारा एरो हेड ये इसके बैक पोर्शन से दे रहा है, और जब आप बैक पोर्शन से इस फिगर को देखोगे तो आपको सिर्फ ये एल वाला पोर्शन दिखेगा, और एल के साथ साथ आपको ये पोर्शन दिखेगा, साथ ही में ये कटिंग पोर्शन दिखेगा। तो इस फिगर में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो आपको ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करते हैं डी बी में, तो यहाँ पे कटिंग पोर्शन को दर्शाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं दिया गया, तो ये हमारा रॉन्ग है। अगर हम बात करते हैं डी में, तो डी में नीचे भी इसको कटिंग कर दिया, तो ये ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सिर्फ हमारा सी सही है। क्योंकि ये जो अगर हम पीछे देखते हैं
तो यहाँ पर हमारा पोर्शन जो है कटिंग है, तो कटिंग के कारण हम डैश का साइन यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बल्ब एंगल सेक्शन। तो ध्यान से समझिए कि हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, ये जो है हमारा बल्ब एंगल सेक्शन के लिए जो सिंबल दिया जाता है, तो वो ये फिगर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये हमारा, यही हमारा बल्ब एक्शन से सिम्बॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन आपको इसकी, ये आता है आपका फिटर के सेक्शन में, ठीक है। तो आपको उसमें भी कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर विंटर सीजन विच पेंसिल इज यूज टू ड्रो डायमेंशन एंड एरो हेड्स। तो ध्यान से समझिए कि अगर हमें विंटर सीजन में पेंसिल यूज करना है एरो हेड और डायमेंशन बनाने के लिए, इनमें से कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, तो वो जो हम पेंसिल यूज करते हैं वो करते हैं हमारा, हम पेंसिल एफ ग्रेड का पेंसिल। ऐसे ही आपको रेनी सीजन, समर सीजन के बारे में पता होना चाहिए। काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समर सीजन, रेनी सीजन, इनमें से कौन सा डायमेंशन और एरो हेड के लिए पेंसिल यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज। इंजीनियरिंग ड्राइंग को और भी हम किस भाषा में जानते हैं, तो ध्यान से समझिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा भाषा है जो कि हर, अगर आप ठीक है दुनिया के कोई सा भी कोने में चल जाओगे, तो वो जो ये जो लैंग्वेज है हर कोई समझ सकता है अगर आप उसने इसके लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हो। तो इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। अगर इंजीनियर इस भाषा को अच्छे समझ आते हैं दुनिया के कोई सा भी कोने में, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। उसके बाद हम बोले जा रहे ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो ये भी ऑप्शन सही है। देखिए उसके बाद ये क्या है, एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, तो ये भी सही है। तो ये जो हमारा तीनों है, इसी को, तीनों को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को अलग भाषा में लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज और ग्राफिकल लैंग्वेज। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड पेंसिल अरेंज इन अ रॉन्ग ऑर्डर। इनमें से जो पेंसिल की जो यहाँ पर ठीक है अरेंजमेंट की गई है, ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो वो कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो सीरियली वाइज हम चेक करेंगे और सारा, सबसे पहले पेंसिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आप एक इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर जो पेंसिल 18 टोटल 18 ग्रेड की पेंसिल होती है, हम ये जो पेंसिल होता है वो 9th से स्टार्ट होता है, टोटल जाकर यहाँ पर 7B तक आता है। ये जो अगर 9th से अगर हम पेंसिल इधर की ओर जाएंगे, तो जो पेंसिल होता है जितना भी जो भी हार्ड पेंसिल होता है वो उतना ही धीमा चलता है, ठीक है, उतना ही ठीक है। और हम जितना बोल्ड पेंसिल होता है वो उतना ही डार्क चलता है। तो अब हम इधर से जब हम 9th से 7th तक आएंगे, तो वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। और पेंसिल का जो लीड होगा वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उसका जो डार्कनेस होगा वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसी के अरेंजमेंट किया हुआ, और अगर अरेंजमेंट गलत है तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। चलिए अरेंजमेंट के अनुसार हम इसको ऑप्शन को हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए पे, 1 पे जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो है हमारा एच, एच बी, बी और 3B। अब देखिए एच जो पेंसिल है हमारा वो आता है हमारा इस, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो एच हमारा इस सेक्शन में आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा दूर के बाद हमारा एच बी है, तो ये सही है, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में बोल्डनेस के बोल्ड की अगर बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है बी, और इसके बाद आता है हमारा 3B। तो ये जो है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, डार्कनेस इस पेंसिल का बढ़ते हुए क्रम में, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 7H। तो 7H पेंसिल कहाँ पे है इसको पहले हम देखेंगे। तो 7H पेंसिल हमारा यहाँ है ये। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं H, तो H हम अगर इस इधर से हम बढ़ते जा रहे हैं 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H और H के पास आते हैं, ये भी बढ़ रहा है अभी। फिर अगर हम आते हैं F की ओर, तो ये भी अभी बढ़ रहा है। फिर अब आते हैं हमारा 3H। अब देखिए हमें फिर से जो ऑप्शन है वो पीछे बैक आ रहा है। अब देखिए 3H जो है वो हमारा पीछे है, तो ये जो है अरेंजमेंट ये रॉन्ग चला गया, ठीक है। ये आगे बढ़ते रहा था इसका बोल्डनेस पेंसिल का लीड, ठीक, लेकिन ये अरेंजमेंट अब फिर से बैक आ गया, तो ये ऑप्शन लगता है, मुझे लगता है ये गलत है, ठीक है। अगर आगे उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है 4H। तो 4H पेंसिल आपका यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो H पेंसिल, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हमारा B पेंसिल, और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो 6B। तो ये भी जो है वो बढ़ते हुए क्रम में बोल्डनेस की ओर, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा 9H, HB, B और 2B। तो देखिए 9H पेंसिल जो है हमारा 9H ग्रेड का यहाँ पे है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो HB ग्रेड का पेंसिल हमारा यहाँ पे, देखते हैं हम HB हमारा यहाँ पे है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से B यहाँ पे है और 2B यहाँ पे, तो ये भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये अभी हमारा 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है, लेकिन 2 जो है वो रॉन्ग ऑर्डर में है। तो इसी तरीके अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, तभी आप इस सारे ग्रेड के पेंसिल के बारे में आपको
ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, उसके कंसेप्ट को आप पकड़ कर तभी तब इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंटेंट्स। बोला जा रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो नहीं मौजूद होता है उसमें। तो सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन हमारा बॉ कंपास। मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था कि बॉ कंपास क्या होता है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा स्केल, डिवाइडर, एक्स्ट्रा लीड्स। तो कई सारे बच्चे अगर आप ऑप्शन ऐसा देखते हो तो आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा लीड पे। तो ध्यान रखिए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है, स्केल को कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्केल को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू ड्रॉ अ सिंगल स्ट्रोक लेटर हाउ मेनी पैरेलल लाइट लाइन्स आर ड्रॉ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा लेटर जो कि अगर हम पेंसिल से एक बार, जब हम पेंसिल को ठीक है यूज़ करते हैं, अगर एक बार हमने जितना वो पतला वो वर्ड लिखा उतरा ठीक है ड्रॉ किया और उसकी जितना वो उसकी जो हार्डनेस है अगर हमने एक बार सिंगल स्ट्रोक किया तो इसके लिए ऐसा लेटर हम बनाने के लिए कितना ठीक है लाइट लाइन पैरल लाइन्स के ड्रॉ करते हैं, मतलब कि इस ये जो हम लेटर यूज़ करते हैं तो उसके बीच की एक क्या होगा, एक लाइट लाइन यूज़ करते हैं पैरेलल लाइंस की, इतनी ही के भीतर हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ये होता है हमारा लाइट लाइन, तो ये जो होता है हमारा दो पैरेलल लाइंस हम खींचते हैं सिंगल ठीक है सिंगल स्ट्रोक लेटर लेटर हम बनाने के लिए। अगर हम बात करते हैं अगर हमें बी लिख भी लिखना हो तो बी भी हम सिंगल स्ट्रोक लेटर में दो पैरेलल लाइन खींचते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अलग और भी होते हैं लेटर जिसमें हम चार चार लाइन खींचते हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर होता है स्मॉल जैसे कि पी होता है या क्यू होता है, तो उसमें हम चार पैरेलल लाइंस खींचना पड़ता है ठीक है। लेकिन हम सिंगल स्ट्रोक लेटर की जब ही बात करेंगे तो पैरेलल लाइंस हम दो ही खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं इस फिगर है और फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका फेस कौन सा है। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो सबसे पहले अगर आप एरो हेड की तरफ से देखोगे तो आपको एक ये पोर्शन दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको एक यहाँ पर टी पोर्शन दिखेगा, और अगर आप पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एडजस्ट ये जो फेस है ये आपको फेस दिखेगा। अब ये फिगर आपको ये फिगर नहीं दिखने वाला है क्योंकि ये पीछे का फिगर है और ये आपको एक 3D फिगर, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको पीछे वाला फिगर को नहीं देखना है ठीक है। अगर आप अच्छे से देखिए ये जो है हमारा 3D फिगर है, तो 3D फिगर में हम सबसे पहले एक टी को देखेंगे, ऊपर में देखिए एक दो ऊपर में और ऐसे ऐसे रेक्टेंगल है छोटे छोटे, तो इन सारे फिगर में ऊपर में दो रेक्टेंगल तो है ही, बीच में हमारा टी है, और अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपका एक यहाँ पर ऐसा रेक्टेंगल वाला फिश है, तो अगर और ये पूरा आपका पूरा यहाँ पर सटा हुआ है तो ये ऑप्शन में तो है, ये ऑप्शन में भी नहीं है और ये ऑप्शन में नहीं है कटा हुआ। तो देखिए यहाँ पर अब तक हमने सही से इसका देखा, अब यहाँ पर जो फिगर है यहाँ पर एक टी के बाद एक और यहाँ पर एक नीचे सरफेस है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल फिगर हमारा यहाँ पे है और उसके नीचे भी एक पोर्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट आंसर है। आप अपना कोई आंसर इसमें बताइए, इसमें से अगर आपको अलग लगता है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेम द मटेरियल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड वेयर टी स्क्वायर इजिली एडजस्ट अ वर्किंग एज ऑन द बोर्ड। बोला जा रहा है कि वो कौन सा मटेरियल जो होता है ड्राइंग बोर्ड में लगा होता है जिसके कारण क्या होता है कि टी स्क्वायर को हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और हम अपना जो ड्राइंग होता है उस अपने बोर्ड पर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो एक हमारा जो ड्राइंग बोर्ड है जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें क्या होता है एक स्लिपरी ऐसा एक ब्लैक रंग का एक ठीक है मटेरियल होता है जिसपे हम क्या करते हैं कि हमारा ट्री स्क्वायर होता है उसको हम क्या करते हैं आसानी से एडजस्ट करते हैं। तो वो जो मटेरियल था वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होता है कि वो वुड का बना होता है या पिट सॉइल या इबोनी या फिर कायोलिन। तो ऑप्शन में आपको इनमें से कौन सा है, तो ये जो है हमारा एबोनी, यह एबोनी के कारण ही ये क्या होता है स्लिपरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन बेस इन अ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार सबसे मेन जो हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेन बेस ही होता है वो होता है मेन होता है लाइंस। बिना लाइंस का कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बात ही नहीं करते, लेटर नहीं हम करते हैं, ना ही हम डायमेंशन की बात करते हैं और ना ही हम व्यू की बात करते हैं। जब तक सबसे पहले लाइंस ही, जब तक हम लाइंस नहीं खींचेंगे तब तक हम उसके बाद ही हम लेटर में जाएंगे, उसके बाद हम उसका व्यू देखेंगे तभी हम उसका डायमेंशन बना सकते हैं। तो सबसे मेन जो है वो हमारा लाइंस ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिहाइंड द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ए इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए हमने प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ा था और प्रोजेक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन में हम दो तरह के प्रोजेक्शन पढ़े थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि आखिर हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं यूज़ करते हैं और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन यूज़ क्यों नहीं करते। आपको इसका रीज़न बताना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आखिर
सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बनता क्यों नहीं है, तो इसका आप रीजन बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल रीजन के कारण ही सेकंड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो नहीं बनता। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर है, जिसकी फिगर हमें देख सकते हो, एक 3D फिगर है, उसमें टॉप फ्रंट और साइड आप देख सकते हो। अगर हम इस फिगर को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर एक फिगर, यहाँ पर इस तरीके का आपको एक फिगर मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर टॉप फ्रंट और साइड दिखेगा, फिर यहाँ पर फ्रंट टॉप साइड। अब इसी फिगर को हम हर प्रोजेक्शन में फिट करेंगे और हम उससे एरर निकालेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर को एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करते हैं, तो फर्स्ट एंगल में हमारा जो फ्रंट होता है वो ऊपर में होता है। अगर देख सकते हैं इस फिगर में, अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस फिगर, ये जो हमारा, हमने इस फिगर को जो ओपन किया था, ओपन करने पर हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम फिगर में देख सकते हो, तो आप हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस फिगर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि बीच में जो होता है हमारा फर्स्ट एंगल में वो होता है हमारा, हमेशा हमारा फ्रंट होना चाहिए। और देख सकते हैं नीचे आ जाता है हमारा टॉप और यहाँ पर आता है हमारा साइड, तब हमारा फ्रंट एंगल प्रोजेक्शन बनता है। और हम बताते हैं कि हमारा फ्रंट, टॉप और साइड हर तीन क्वाड्रेंट में हमारा गया है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी सेम केस होता है। अगर आप देख सकते हो इस फिगर में कि हमारा जो, अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात करते हैं, तो हमारा थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा फ्रंट आता है और इस फ्रंट के बगल में हमारा साइड और फ्रंट के नीचे हमारा टॉप। तो इस कारण से हमारा फ्रंट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन को और उसी अनुसार हम इसमें भी फिट करते हैं, ठीक है, उस ओपन डाइस 3D फिगर को, तो हमारा जो फ्रंट होता है वो तो सेकंड एंगल में आता है, लेकिन जो हमारा जो साइड होता है, वो साइड जो होता है वो भी इसी में आ जाता है सेकंड एंगल में, और जो फ्रंट के नीचे टॉप तो सही रहता है। लेकिन ये रीज़न यही है कि जो हमारा फ्रंट जो होता है, फ्रंट तो सेकंड एंगल में रहता है सेकंड एंगल क्वाड्रेंट में, लेकिन जो साइड होता है वो सिर्फ सिर्फ क्या होता है, एक, दोनों एक साथ आ जाता है, ठीक है। फ्रंट और साइड जो होता है वो सेकंड एंगल में ही आ जाता है, जिस कारण से ये एरर माना जाता है। अगर अब देखिए यहाँ पर फोर्थ एंगल में भी यही प्रॉब्लम होता है। अगर फोर्थ एंगल की मैं बात करूँ, तो देखिए फोर्थ एंगल में जो हमने फ्रंट को बीच में रखा, एक्सिस के बीच में, तो हमारा जो साइड हो गया वो भी इसी में आ गया और टॉप भी इसमें आ गया। अब आप किसी भी तरीके से रख कर देखोगे तो आपका जो है ना फोर्थ एंगल में दो जो है ना साइड, जो दो व्यू आपका जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही व्यू आता है, ठीक है। फ्रंट अलग आता है, साइड अलग आता है और टॉप अलग अलग क्वाड्रेंट में आता है। तो चलिए इस, अगर आपने इस कंसेप्ट को पढ़ लिया था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिहाइंड अ सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होता है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में, तो हम ऑप्शन पहले चेक करेंगे और ऑप्शन के अनुसार अगर हमने पूरा थ्योरी इसका पढ़ा, अब देखिए ऑप्शन चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका प्रॉपर जो मेन रीजन है जिसके कारण सेकंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनता है। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि साइड व्यू इज नॉट प्रॉपर लोकेटेड, कि जो हमारा साइड व्यू है वो हमारा प्रॉपर लोकेटेड क्या नहीं होता है। तो ऐसा तो कोई रीजन नहीं है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में, साइड व्यू तो होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड कि फ्रंट इज नॉट लोकेटेड ऑन टॉप, तो ये भी ऐसा कोई रॉन्ग ये भी है कि फ्रंट जो होता है, ठीक है, वो टॉप के ऊपर नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें तो सही है, हमने सेकंड एंगल में हमने जब पढ़ा था तो फ्रंट के नीचे तो हमारा टॉप, ठीक है, ठीक है ना, हमारा फ्रंट जो एंगल था वो हमारा टॉप के ऊपर था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम, ये भी हमारा ऑप्शन जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, टॉप एंड साइड आर ओवरलैप, टॉप और साइड जो होता है वो दोनों एक के ऊपर एक रहता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये भी कोई मेन रीज़न नहीं है। और जो अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, साइड एंड टॉप आर इन सेम एक्सिस, तो ये जो है मेन रीज़न है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का, जिसमें क्या होता है कि साइड और टॉप जो होता है वो दोनों का दोनों एक ही एक्सिस पर आ जाता है, तो इस कारण से हमारा क्या होता है, हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनाते हैं। तो ये ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मेन आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप शेयर करते हैं तभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे जल्द ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।